नागरिकता संशोधन कानून में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका इशारा कर दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप लगाए। इशारा दिया गया कि क्रिसमस के बाद इस मुद्दे पर विचार संभव है। नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन तेज है और खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका असर साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी की हुंकार भरी गई। शनिवार को राहुल गांधी की ओर से जो कहा गया उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने जब हिंदुत्व के हीरो सावरकर की दुहाई देते हुए कहा कि वो रेप इन इंडिया वाले अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। इस बयान से देशभर की सियासत में सावरकर की एंट्री हो गई है। शिवसेना तिलमिला गई है। इस बयान को लेकर कांग्रेस पर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इसको लेकर शिवसेना ने कांग्रेस को नसीहत दी है तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। बिल्कुल, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि वो वीर सावरकर के साहित्य को राहुल गांधी को भेजें। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तबीयत काफी बिगड़ गई। इसके बाद इनको LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वाति मालीवाल पिछले 13 दिनों से अनशन पर बैठी हैं। स्वाति मालीवाल का अनशन खत्म कराया गया है तो अनशन के चलते स्वाति मालीवाल का खासा वजन भी घटा है। दिल्ली महिला आयोग के मुताबिक स्वाति मालीवाल बेहद कमजोर हो गई है, बात करने में भी समर्थ नहीं है। और उधर महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार फिर से सावरकर का मुद्दा खड़ा हुआ है और इस बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बिल्कुल, मायावती ने रविवार को ट्वीट किया और कहा कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अब भी कायम है, इसलिए उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर मोदी सरकार का साथ दिया। अब सावरकर को लेकर भी इनका जो कांग्रेस का रवैया है वो शिवसेना को बर्दाश्त नहीं है। मायावती ने कहा कि फिर भी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ अभी भी बनी हुई है तो ये सब कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। वे अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री पायल रोहतगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की बूंदी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। दरअसल पायल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पायल के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है और साथ इस बात की पुष्टि बूंदी पुलिस ने भी की है। उधर शनिवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो राहुल सावरकर नहीं है बल्कि राहुल गांधी हैं। इसको लेकर बीजेपी उनको तमाम नेता जो है बीजेपी के उनको घेर रखे हैं। इसी कवायद में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा है कि राहुल गांधी तो सावरकर के बाल के बराबर भी नहीं है, उन्होंने अपना सरनेम भी चुराया हुआ है क्योंकि इनके दादा का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था और इस परिवार को सावरकर का नाम लेने की भी इजाजत नहीं है, फिर ये अपने साथ कैसे सावरकर जोड़ सकते हैं। तो अनिल विज ने अपने ही अंदाज में कहा कि वीर सावरकर के नाम को इस भाषा से इस्तेमाल करने की को लेकर विज ने कहा कि शिवसेना भी क्लियर कर चुकी है, अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि सावरकर के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें दुष्कर्म छेड़छाड़ और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को कैसे रोका जाए इसे लेकर चर्चा हुई।
सम्मेलन में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी पहुंचे। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए कानूनों पर अमल नहीं होता और राजनीति में महिलाओं को केवल वोट बैंक तक ही देखा जाता है। अमित आर्य ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मंडी के सेरी मंच पर रविवार को ड्रग फ्री हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें एएसपी मंडी पुनीत रघु ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में करीबन 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विजेताओं को इनामी राशि के साथ पौधे देकर सम्मानित किया गया। तो इस मौके पर एएसपी पुनीत ने कहा कि ड्रग फ्री हाफ मैराथन का उद्देश्य ये है कि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है और ऐसे में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय और अन्य दुर्गम जगहों पर बर्फबारी के बीच सैकड़ों छात्रों की परीक्षा का वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर छात्रों के लिए बर्फबारी बड़ी परेशानी बन गई है। बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बर्फबारी के इस मौसम में बड़ी मुश्किल के साथ वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपमंडल स्वारघाट कस्बे में 3 हाई मास्टर लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन प्रदेश के लोगों को इनका लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है और इसे लेकर काफी रोष भी देखा गया। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि इन लाइट्स को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। एसडीएम ने लोगों को आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर उच्चाधिकारियों से बातचीत की जाएगी, बंद पड़ी लाइट्स को ठीक भी करवाया जाएगा। पानीपत के गांव में उस वक्त सनसनी का माहौल बन गया जब खेत से अपने घर जा रहे युवक को मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवकों ने गोली मारकर फरार हो गए। बिल्कुल, गोली लगने से घायल अजीत सिंह नाम के युवक को पानीपत के प्रेम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर आई, मामले की जांच पड़ताल जारी है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बर्फबारी के चलते लोग एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा पा रहे हैं। शनिवार को मौसम साफ होने की सूरत में जिले की मुख्य बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया, क्योंकि इस बार घाटी की सभी सड़कें बर्फबारी से अवरुद्ध हुई है। ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में दारचा, योचे, छिका, रारिक, नैनगाहर, गवारी, कोकसर और सिसु जैसे ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 फीट तक हिमपात हुआ है। हरियाणा के गोहाना में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि बदमाशों को कानून का जरा भी डर नहीं है। बदमाशों ने सेंध लगाकर सहारा बैंक से करीबन 2 लाख की नकदी चुरा ली। यही नहीं, चोर सीसीटीवी की डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने आगे बढ़ाई। डेरा मुख्यालय से सटी ध्वाला पंचायत में सिर्फ 2 दिन हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सनोज गांव का मुख्य रास्ता जो कि लोगों के घरों की तरफ जा रहा है, पानी की निकासी वहां पर नहीं हो रही है, जिसके चलते पानी और कीचड़ जमा हो गया है। ऐसे में कामकाजी लोगों के अलावा परेशान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 हेल्पलाइन पर इस रास्ते की मरम्मत के लिए 5 बार शिकायत की, लेकिन एक बार भी जवाब तक नहीं मिल पाया। वहीं ब्लॉक देहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों में सबसे फिसड्डी पंचायत साबित हुई। इसके अलावा धर्मशाला के गोपालपुर चिड़ियाघर में अवकीरा और राखेवन नाम के शेरों की दहाड़ लोगों को सुनने को मिल पाएंगे। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की मौजूदगी में शेरों का जोड़ा चिड़ियाघर में छोड़ा गया है। दरअसल कुछ वक्त पहले यहां पर शेर की दहाड़ सुनाई नहीं देती थी।
ऐसे में टूरिस्ट को निराश होकर वापस लौटना पड़ता था, लेकिन अब अकीरा और हेमल फिर से आने से टूरिस्ट को एक बार फिर से चिड़ियाघर आने को मजबूर कर देंगे। उधर करनाल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक के बाद एक एक साथ तीन बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। इन लापता बच्चों में से दो बच्चे शिव कॉलोनी और एक शास्त्री नगर का रहने वाला बताया गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की गई। हरियाणा के पंचकूला में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि बदमाश ने एक महिला को तीन गोलियां मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को चंडीगढ़ पीजीआई भर्ती करवाया गया। मामला आपसी रंजिश का बताया गया है। फिलहाल जांच जारी है। कुल्लू पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब पुलिस ने होमगार्ड जवान पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के दो दोस्त जिन्होंने उसे छुपाने के लिए काम किया था उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल 12 दिसंबर को आरोपियों ने गश्त लगाई, होमगार्ड जवान पर गोली चलाई गई जिससे जवान घायल हुआ और आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि तीन आरोपियों को घटना की रात को ही पकड़ लिया गया था और अब मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गदरपुर में दिन ब दिन अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। क्राइम कंपनी का नाम नहीं ले रहा। गदरपुर के युवक विपिन का शव पाए जाने से परिवार में कोहराम मचा है।